हेलो एंड वेलकम एमएसआर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तुम सिंह बनो सियासत की चिंता क्यों करते हो, तुम सिंह बनो सियासत की चिंता क्यों करते हो। तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा सियासत होगा, वही तुम्हारा सियासत होगा, लेकिन इसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए तो क्लास एट वाले प्रश्न वाले 11.2 प्लस संख्या 2, जिसमें आज दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, 1 और 2। वो इसी है, कल वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ना देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा आप लोग। बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ए बी सी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कहा, चूंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, चूंकि लिख देते भाई समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ये Q बिंदु और S बिंदु बराबर होगा, इसलिए बिंदु Q लिखने के बाद लिखिए, ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु एंगल PQR, एंगल PQR बराबर होगा किसका, बराबर होगा इसका RSP का, एंगल RSP का। तो हमें पूछा है कि B बिंदु का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो एंगल PQR बराबर कितना है, एंगल PQR बराबर 110 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना है, इसका B है, इसलिए B बराबर कितना है 110 डिग्री। ये आप पर डिपेंड करता है, आप क्यू लीजिए चाहे S लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर डिपेंड करता है। तो B का वैल्यू आ गया 110। चलिए तो अगली ओर ए बी का वैल्यू निकालिए, ए का भी वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू आया 110। चूंकि आसन कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। अब आसन कोण कौन कौन है, तो एंगल पी और क्यू, एंगल पी एस ये ले सकते हैं, दोनों लेंगे, इसलिए एंगल SPQ, एंगल SPQ प्लस एंगल PQR, एंगल PQR बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब अगर आप पॉइंट लेना चाहते हैं तो क्या लिखेगा, एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री भी लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। एंगल SPQ का वैल्यू कितना है भाई, इसका वैल्यू P है या प्लस है, इसका वैल्यू कितना है 110 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, इधर जाके घटा दीजिए, इसलिए P बराबर कितना आएगा 180 माइनस 110 तो बराबर होगा 70 डिग्री। तो चलिए A का वैल्यू भी P की जगह पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे A लिखा जाए, इसलिए A बराबर कितना है 70 डिग्री, यहाँ A लिखा हुआ था आप लिख लीजिएगा। SPQ बराबर ए दिया हुआ और इसका वैल्यू 110 दिया हुआ, तो आ गया 70 डिग्री, आसन कोणों का योग होता है 180। अब आसन कोण के आधार से भी इसको बना सकते हैं या सम्मुख कोण के भी आधार से, किसको इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर आप चाहते हैं तो लिखें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल R बराबर क्या है, एंगल P, मैंने यहां आपके लिए शॉर्ट मारा, और एंगल R का वैल्यू कितना बार, एंगल R का वैल्यू बोलते हैं 80 और एंगल P का वैल्यू कितना 70 डिग्री। ये रहा आपका पहला का आंसर। कई तरीके हैं मैथ बनाने के लिए, कोई भी तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे बस उसको फॉलो कीजिए।
अब इसको पूरा साफ कर देते हैं, पूरा समाप्त हो गया हमारा। ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर टू, ए वैल्यू निकालते हैं। तो यहां हल कर दीजिए क्वेश्चन में ही, चूंकि आसन कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री, इसलिए एंगल ओ प्लस एंगल एल बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल ओ कितना है भाई 60 डिग्री, यहाँ देखिए एंगल एल कितना है ए है, बराबर कितना होगा 180 डिग्री, इसलिए ए बराबर 180 में से 60 जाते तो कट जाएगा समान पद की वजह से, तो आएगा 120 डिग्री। तो ए का मान आ गया आपका 120 डिग्री। अब इसको आसन कोण के वजह से भी निकाल सकते हैं या तो फिर समूह कोण, चलिए आसन कोण चलो, इसी में मैं इसको बढ़ा देता हूं। आसन कोण कोणों का योग कितना होता है 180, एंगल ओ और एंगल एन, एंगल ओ और एंगल एन लेकर बढ़ाते हैं, एंगल ओ और एंगल एन, एंगल ओ का वैल्यू कितना है भाई तो 60 डिग्री है, एंगल एन का वैल्यू कितना लाए नहीं लाए बी वैल्यू दिया हुआ 180 डिग्री, इसलिए बी बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आया 120 डिग्री। तो अगर आप समूह कोण भी बनाते हैं तो समूह कोण से भी 120 आता, आसन कोणों के योग से भी 120 आया, आपको मैंने बताया। चले अब आसन कोण वाला ही पूरा इसका सॉल्व कर देते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब एम का वैल्यू निकालना है, एम क्यों इसके लिए सी के लिए, तो यहां साफ चूंकि आसन कोणों का योग बराबर 180 होता है, उसके आसन ये दोनों होंगे देना होगा, एंगल एल प्लस एंगल एन बराबर कितना भाई 180 डिग्री, एंगल एल कितना 120 डायरेक्ट बैठा देते ए वैल्यू दिया हुआ था, और एंगल एन की जगह पे एम रहने दीजिए या एंगल एम ही रहने दीजिए 180 डिग्री, इसलिए एंगल एम बराबर कितना होगा 180 डिग्री में से 120 घटा दीजिए कितना आया 60 डिग्री। ये हाँ इस पार्ट में आपका आ गया 60 डिग्री। चलिए तो एम यहाँ पे एम के बाहर भी कौन एंगल बन रहा है, एम के अंदर भी बन रहा है एंगल, जो अंदर वाला एम है मतलब एंगल एल एन एन वो निकाला गया, अभी हम लोग को बचा हुआ एंगल एन एन पी निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा का भाई, तो मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा एक सरल रेखा का वैल्यू द्विजू कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो चूंकि एंगल एल एम पी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, एंगल एल एम पी बराबर 180 डिग्री, एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे, एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे सारे कोणों को जोड़ दीजिए, सारे कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं, कौन कौन से एंगल है भाई, एंगल एम एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन प्लस एंगल एन एम पी, एंगल एन एम पी कितना जाएगा 180 डिग्री, एंगल एम एन मतलब 60 डिग्री, ये आया 60 डिग्री, इसका कितना मान है, इसका मान बोलता है सी है, बिंदु सी लिख दीजिए 180 डिग्री, इसलिए सी बराबर कितना आएगा 180 में से घटा दीजिए 60 डिग्री और आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आई होगी तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।